वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल शोमिक। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप भी प्रीव्यू का जैसा एक न्यू जन्माष्टमी स्पेशल फुल स्क्रीन वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। गाइस इस तरह का वीडियो बनाना बहुत ही आसान है, सीखने के लिए जरूर छोटा सा वीडियो को पूरा देख लेना। और गाइस वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को एक लाइक कर देना। और गाइस अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज इस तरह का न्यू ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो गाइस चलिए बिना देरी करते हुए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो गाइस प्रीव्यू को जैसा वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को VN ऐप का जरूरत पड़ेगा, और ये ऐप आप लोगों को बहुत ही आसान से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो अगर आपके पास VN ऐप नहीं है तो इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। तो VN ऐप ओपन हो जाने के बाद आप लोगों को नीचे प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पे आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन गाइस इधर से आप लोगों को एक लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट करना है, और इस लिरिक्स वीडियो का डाउनलोड लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन से पहले वीडियो को डाउनलोड करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो लिरिक्स वीडियो सिलेक्ट हो जाने के बाद आप लोगों को ऊपर में वीडियो के बगल में फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन गाइस इधर से आप लोगों को टोटल 12 फोटो को सिलेक्ट करना है। और गाइस यहां पे मैं जो फोटो यूज कर रहा हूं, अगर आप लोग इसको लेना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना, वहां से आप लोग बहुत ही आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस 12 फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद आप लोगों को नीचे एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये वीडियो और फोटो यहां पे ऐड होके आ जाएगा। देन आप लोगों को एकदम लास्ट पे जाना है, नीचे ब्लैक कलर लेयर के ऊपर क्लिक करके इधर से इसको डिलीट करना है, फिर से फर्स्ट पोजीशन पर चले आना है। अब गाइस इधर से आप लोगों को एक सॉन्ग को ऐड करना है, तो सॉन्ग को भी पहले डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। देन यहां पे ऐड करने के लिए आप लोगों को ऊपर में फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, नीचे म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहां पे माय म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन यहां से डाउनलोड किए हुए सॉन्ग के बगल में यूज ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। देन नीचे म्यूजिक बीट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इस सॉन्ग के ऊपर आप लोगों को टोटल 12 बीटमार्क को ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करने आप लोग साइड पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे टाइमर दे रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट टाइमर 9.58 सेकंड पर ऐड करना है, तो यहाँ पे उस टाइमर को फॉलो करके इस तरह से खिसका के पहले फर्स्ट टाइमर के ऊपर चले जाना। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइमर के ऊपर आ गया हूँ, अब भी इस तरह से आ जाना। देन नीचे फ्लैग के ऊपर क्लिक करोगे तो बीटमार्क ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोगों को नेक्स्ट टाइमर के ऊपर जाना है, फिर से नीचे फ्लैग के ऊपर क्लिक करके बीटमार्क को ऐड करना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को एक एक करके सारे बीटमार्क को ऐड कर लेना है, जैसे कि मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। तो गाइस मैं आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सारे बीटमार्क ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फिर से नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सॉन्ग यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा। सॉन्ग ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा खिसका के बीटमार्क की तरफ चले जाना है, देन नीचे टू फिंगर से थोड़ा सा जूम करना है ताकि आप लोगों को सारे फोटो और बीटमार्क अच्छी तरह से देखने को मिले। देन आप लोगों को ऊपर में सेकंड बीटमार्क के ऊपर क्लिक करना है। देन आप लोगों को नीचे जो फर्स्ट फोटो है इस फोटो के ऊपर क्लिक करके इसका ड्यूरेशन क्रॉप करना है बीटमार्क तक। फिर से आप लोगों को ऊपर में नेक्स्ट बीटमार्क के ऊपर क्लिक करना है, नीचे फोटो के ऊपर क्लिक करके इसका भी ड्यूरेशन क्रॉप करना है बीटमार्क तक। तो इस तरह से आप लोगों को सारे फोटो को बीटमार्क के हिसाब से क्रॉप कर लेना है, जैसे कि मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से सारे फोटो को क्रॉप कर लेना। तो गाइस मैं आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देता हूँ। तो सारे फोटो को बीटमार्क के हिसाब से क्रॉप करने के बाद लास्ट पे जो फोटो है इसका ड्यूरेशन जितना दूर सॉन्ग है उतना दूर कर लेना। देन यहाँ से डन करके एकदम फास्ट फोटो के ऊपर चले आना। अब इधर से आप लोगों को फोटोज के ऊपर इफेक्ट को ऐड करने हैं, तो पहले फर्स्ट फोटो के ऊपर चले आइए, देन नीचे थर्ड नंबर पे इफेक्ट्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन ये जो फोटो है इसको खींच करके एकदम फर्स्ट पे ले आइए। देन ये जो फर्स्ट फोटो है इसके ऊपर आप लोगों को जूम इन इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो नीचे आप लोग को बहुत सारे इफेक्ट देने को मिल जाएगा, इधर से थोड़ा सा ढूंढ के जूम इन इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे इसका ड्यूरेशन खींच के पूरा फोटो तक कर लेना है। देन गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन देने को मिल जाएगा, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग सेकंड फोटो के ऊपर चले आओगे। अब ये जो सेकंड फोटो है इसके ऊपर आप लोगों को फिर से जूम इन इफेक्ट को ऐड करना है। तो नीचे ढूंढ के जूम इन इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे क्लिक करके फिर से नेक्स्ट फोटो के ऊपर चले जाते हैं।
फिर से इस फोटो के ऊपर आप लोगों को जूम इन इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से फर्स्ट थ्री फोटो के ऊपर आप लोगों को जूम इन इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे क्लिक करके जब आप लोग फोर्थ फोटो के ऊपर चले आओगे, अब ये जो फोर्थ फोटो है इसके ऊपर आप लोगों को जिटर ऑफ इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो नीचे थोड़ा सा ढूंढ के जिटर ऑफ इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी खींच के पूरा फोटो तक अप्लाई कर लेते हैं। देन गाइस इधर से आप लोगों को नेक्स्ट थ्री फोटोज के ऊपर जूम इन को फिर से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट फोटो के ऊपर जाना है, फिर से जूम इन को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे क्लिक करके फिर से नेक्स्ट फोटो के ऊपर जाना है, जूम इन को सिलेक्ट करना है। तीन यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट फोटो के ऊपर जाके फिर से जूम इन को सिलेक्ट करने हैं। तो तीन फोटो के ऊपर जूम इन को सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद में जो फोटो है इसके ऊपर आप लोगों को जिटर आपको फिर से सिलेक्ट करना है। तो जिटर आपको ढूंढ के अप्लाई कर लेना है। देन यहाँ से आप लोगों को इस तरह से करते रहना है। तो यहाँ से तीन फोटो के ऊपर आप लोगों को जूम इन को सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ से तीन फोटो के ऊपर जूम इन को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन आप लोगों को दिखाते हैं। तो तीन फोटो के ऊपर जूम इन को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो फोटो है इसके ऊपर आप लोगों को जिटर आपको फिर से सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप लोगों को सारे फोटोज के ऊपर इफेक्ट को ऐड कर लेना है। देन नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बैक आ जाना है। तो गाइस इस तरह से सारे फोटोज के ऊपर इफेक्ट को ऐड कर लेना है। देन आप लोगों को खिसका के फिर से फास्ट मिडमाइक के ऊपर चले आना है। देन आप लोग नीचे देख सकते हो बहुत सारा प्लस ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से जो फास्ट प्लस ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इधर से आप लोगों को बहुत सारा इफेक्ट मिलेगा। इधर से आप लोगों को लाइट इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। देन नीचे आप लोगों को राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बैक आ जाना है। नेक्स्ट जो प्लस ऑप्शन है इसके ऊपर फिर से क्लिक करना है। इधर से फिर से आप लोगों को लाइट इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बैक आ जाना है। देन नेक्स्ट जो प्लस ऑप्शन है इसके ऊपर भी क्लिक करना है। इधर से लाइट इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बैक आ जाना है। तो फर्स्ट थ्री प्लस ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को लाइट इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। देन एक प्लस ऑप्शन को छोड़ देना है। नेक्स्ट थ्री प्लस ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को फिर से लाइट इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप लोगों को लाइट इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो थ्री प्लस ऑप्शन के ऊपर लाइट इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद में जो प्लस ऑप्शन आएगा उसको छोड़ देना है। देन फिर से आप लोगों को थ्री प्लस ऑप्शन के ऊपर लाइट इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप लोग प्लस ऑप्शन के ऊपर लाइट इफेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे परफेक्ट तरीके से सारे प्लस ऑप्शन के ऊपर इफेक्ट को ऐड कर लिया है। तो इस तरह से आप भी एक एक करके कर लेना। देन किसका के एकदम फास्ट बिडमार्क के ऊपर चले आना। अब इधर से आप लोगों को एक शैडो फोटो को ऐड करना है। तो इसका डाउनलोड लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना उधर से। देन यहाँ पे ऐड करने के लिए आप लोगों को नीचे थर्ड नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन नीचे वीडियो फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर में फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इधर से शैडो फोटो को ऐड कर लेना है। तो शैडो फोटो ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को नीचे थोड़ा सा खिसका के यहाँ पे नीचे फिल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में कर लेना है। देन इसका जो ड्यूरेशन है इसको खींच कर पूरा वीडियो पर अप्लाई कर देना है कुछ इस तरह से। देन डन करके फिर से फर्स्ट बिडमार्क के ऊपर चले आइए। तो गाइस इतना दूर हो जाने के बाद आप लोगों को इधर से और एक पीएनजी फोटो को ऐड करना है। इसका भी डाउनलोड लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लेना। ऐड करने के लिए सेम प्रोसेस, थर्ड नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे वीडियो एंड फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके या फिर फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। देन इधर से पीएनजी फोटो को सिलेक्ट कर लेना। तो पीएनजी फोटो ऐड हो जाने के बाद इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना। देन इस तरह से इसको एकदम नीचे लगा देना कुछ इस तरह से। लगा देने के बाद इसका भी ड्यूरेशन खींच के पूरा वीडियो तक कर लेना। देन गाइस आप देख सकते हो आपका जो वीडियो है वो प्रीव्यू का जैसा बन के तैयार हो जाएगा। अब इधर से इसको सेव करने के लिए ऊपर में एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।